नमस्कार, आप देख रहे हैं जोक तंत्र और मैं हूं विशाल दुबे आका 3D। भाई महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आजकल बीजेपी और शिवसेना में लगातार खींचतान जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कार्टून खूब वायरल हो रहा है जिसमें शेर के जरिए शिवसेना को दिखाया गया है और देवेंद्र फडणवीस को एक रिंग मास्टर के रूप में दिखाया गया है और कैप्शन लिखा गया है, आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी। आना है जरा देर लगेगी। कहने का मतलब ये है कि एक ना एक दिन शिवसेना जरूर मान जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रूठा हुआ फूफा मान जाता है। भाई वैसे इस समय शिवसेना की हालत ठीक वैसी ही है जैसे शादी के दौरान खिचड़ी खाने बैठा दूल्हा जो दहेज में डिमांड तो चार चक्का गाड़ी की करता है लेकिन फाइनली एटलस साइकिल पर मान जाता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी से 50-50 फॉर्मूले की बात की। अब मैं आपको बताता हूँ, सियासत में दरअसल 50-50 का मतलब होता है अगले 5 साल तक जनता का आधा पैसा तुम खाओ और आधा पैसा मैं खाऊंगा। पिछले दिनों दिल्ली के 30,000 कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई जिसमें वकीलों ने दिल्ली पुलिस को जमकर कूटा। वकीलों की इस गुंडागर्दी को देखकर भाई LLB का फुल फॉर्म कर देना चाहिए, लुच्चा लफंगा और बहला। पिछले एक हफ्ते में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है ना बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। दरअसल इसके पीछे रीजन ये था कि लोगों ने दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे ड्रामे को TV पर देखना ज्यादा बेहतर समझा। अब मैं आपको बता दूं, 1987 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी, नाम था वतन के रखवाले। अब अगर दिल्ली में जो कांड चल रहा है उस पर कोई फिल्म बनेगी तो उसका नाम होगा कानून की धज्जियां उड़ाने वाले। पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर आ गया जिसमें सलमान खान का एक डायलॉग होता है, एक होता है पुलिस वाला एक होता है गुंडा और हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। मैं सोचता हूँ यही डायलॉग अगर एक वकील बोलेगा तो होगा वकील वाला गुंडा। दबंग 3 का ट्रेलर देखने के बाद मैं इसके राइटर और डायरेक्टर को बोलना चाहूंगा थैंक्स फॉर द सेम कंटेंट। भाई बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखने के बाद अनायासी मुंह से निकल जाता है सेम मूवी फ्रॉम ईयर्स जस्ट विद डिफरेंट टाइटल्स, बट यहाँ तो 90% टाइटल भी सेम है, अलग से कुछ जोड़ा गया है तो वो है 3। 4 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवन लागू हो गया। ऑड इवन लागू होने के 2 घंटे बाद ही केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए जिसमें लिखा था ऑड इवन से प्रदूषण में 25% की कमी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव नतीजों के दिन रुझान आ रहे हों कि फला सीट पर फला पार्टी इतनी सीटों पर आगे चल रही है। भाई दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, बहुत ही मजेदार बात लिखी कि भाई दिल्ली में ऑडिबल लागू करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी आदमी को हार्ट अटैक आया हो और उसे क्विक रिलीफ के बजाय होम्योपैथी दे दिया जाए। दिल्ली में इंसान तो छोड़ो कुत्ते भी मास्क लगा के घूम रहे हैं। सोचो ऐसे वक्त में अगर चुनाव प्रचार करना पड़े तो सबसे ज्यादा मुश्किल नेताओं को होगी, दरअसल वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि अपना बंदा कौन है और वोटर कौन है। भाई पिछले दिनों खबर आई कि ISIS का सरगना बगदादी फिर मारा गया। बगदादी हर साल मरता है फिर जिंदा हो जाता है, कायदे से इसका नाम रख देना चाहिए दशहरे वाला रावण। बगदादी के बार बार जिंदा हो जाने से परेशान होकर सीरिया गवर्नमेंट ने एक मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, आपने भी सुना होगा, इसे बदलने का फैसला किया है। अब इसका नाम होगा गड़ा बगदादी उखाड़ना। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे बगदादी तो उसकी डेफिनेशन तक लिखी आती है। आलम यह है, उसकी डेफिनेशन होगी बगदादी एक संज्ञा है जो ताजा समाचारों में हर बार की तरह एक बार फिर मारा जाए उसे बगदादी कहते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। भाई पाकिस्तान जिस रफ्तार से कर्जा ले रहा है वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और चाइना को भी भिखारी बना देगा। बॉलीवुड का अगर कोई डायरेक्टर पाकिस्तान पर फिल्म बनाएगा तो उसका टाइटल होगा भूखा नंगा और भिखमंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।